एवरीवन, एम एन ए क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं ये न्यू डिजाइन गुलदस्ता लेके आई हूँ और इसमें ये डबल पत्ती कैसे बना हुआ है और स्टार्टिंग से कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊँगी। और ये जो फ्लावर लगा हुआ है इसको कैसे लगाना है और पत्ती इसमें कैसे सेट करना है तो वो भी मैं इसमें बताऊँगी। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी, तभी आपको ये बनाने आएगा और कैसे बनाने हैं और वो भी आप देख पाओगे। तो चलिए आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे स्टैंड से। तो स्टैंड आपको ये मार्केट में कहीं पर भी मिलेंगे और इसमें ये दो बंडल का वायर लगता है गुलदस्ते को बनाने में, तो ये वायर भी कहीं आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंड में कपड़ा लपेटना होता है, इसीलिए लपेटते हैं क्योंकि इसमें धार आता है और ये वायर जो प्लास्टिक का होता है और इसमें कटने का भी डर रहता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं हर एक गुलदस्ते में कपड़ा ज़रूर लपेटती हूँ। आप लोग भी ज़रूर लपेटिएगा जिससे कि ये अच्छा से सेट हो जाए और कहीं पर भी कटने का डर ना हो। तो ये कपड़ा लपेटने के बाद हम वायर को यहाँ पे कट करेंगे, कितना फिट का वायर लगेगा इसमें और कितना वायर लगेगा। वो भी मैं यहाँ पे कट करके आपको बताऊंगी। तो इतना ही अच्छा से आप लोग कपड़ा को यहाँ पे स्टैंड में लपेटा लगा के देखिए हो गया है लगाया हुआ। और वायर कितना अब काटना है तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पे इसे माप के भी बता रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। आपको ये वाला मापने वाला कहीं पर भी मिल जाएंगे। देखिए ये टोटल 60 मीटर का है और बीच में फिर हमको 30 लेने होते हैं, तो 30 से आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, मतलब ये डेढ़ व्यायाम का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेढ़ व्यायाम से माप के काट सकते हैं, उतना में ही ये बन जाता है ये गुलदस्ता। आप लोग को समझने के लिए मैं यहाँ पे माप की बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे टोटल ये 36 वायर मैं पहले से ही काट के रखी हुई हूँ और यहाँ पे मैं कैसे स्टार्टिंग करना है वो मैं बताऊँगी। तो देखिए ये टोटल 36 वायर है और आप लोग इसी तरीके से इसमें सेट करके बंडल बना लीजिएगा जिससे कि स्टार्टिंग करने में बहुत आसानी हो। और देखिए कि स्टार्टिंग कैसे करना है, वायर को नीचे से ऊपर कर की ओर हम दोनों को डबल करेंगे, एक वायर को और ऊपर खींच के, और दोनों ऊपर का मुँह हमको एक साइड से एक रंग करने हैं और अंगूठे से दबा के, और ये जो बंडल का वायर है इससे हमें यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। आप ध्यान से देखिए कैसे स्टार्टिंग करना है। इसी तरीके से हमको अंगूठे से दबा के रखने हैं और इसी तरीके से एक एक वायर करके टोटल 36 वायर इसमें ऐड कर देने हैं स्टैंड में और फिट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो देखिए। देखिए ध्यान से कैसे यहाँ पे फंदे लगा रहे हैं वायर से और कितना अच्छा से ये हो रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे मैं दूसरा वायर यहाँ पे सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसी तरीके से टोटल 36 वायर स्टैंड में सेट कर लूँगी। उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से टोटल वायर को इसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर लेके और स्टैंड में फिट करने होते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमको नेक्स्ट में क्या करने हैं वो देखिए। तो हम इसी तरीके से एक एक करते हुए जाएंगे, आप देख रहे हैं कैसे, और टोटल 36 वायर सेट कर लेंगे। देखिए ये टोटल 36 वायर
सेट हो गए और एक लाइन जो बनना लनना होता है वो भी बन गया है। और यहाँ से अब नेक्स्ट लाइन कैसे बनाएंगे, दूसरा लाइन कैसे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे से स्टार्ट किया तो यहाँ पर टोटल लास्ट वाला वायर जो था यहाँ पे आके सेट हो गया है एक एक करते हुए। देखिए नेक्स्ट अवर से यहीं से स्टार्ट कर देने हैं, देखिए इसी तरीके से। देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको क्या करते हुए जाना है कि वो जो अंगूठे से ऊपर की और ये वायर को खींचते हुए और इस तरीके से फंदे को डालते हुए जाने, जिससे क्या होता है कि ये थोड़ा मजबूत और टाइटली होता है और अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा इधर उधर भी नहीं होता है। वैसे तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ये वाला जो गुलदस्ता होता है कि आप कितना दिन भी रखें तो भी बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी समय तक ये अच्छा रहता है। अब इसी तरीके से हम टोटल 8 या 10 लाइन, आपको जितना हाइट रखना है इस गुलदस्ते का आप उतना इसी तरीके से बना लीजिए। और हम तो यहाँ पे 10 लाइन बनाएंगे, उसके बाद पत्ती बनेगा फर्स्ट पत्ती, उसके बाद सेकंड पत्ती। तो देखिए कैसे बनता है, आप देख रहे हैं कि कैसे ये बन रहा है। उसके बाद देखते हैं कि आगे नेक्स्ट में क्या करना है। आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 लाइन तक बना लिए हैं, उसके बाद ये थोड़ा जो बचेगा उसको भी यहाँ पे बना के उसके बाद हम पत्ती बनाएंगे। बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, आप लोग का जितना हाइट होगा आप उतना रख सकते हैं, जितना मन हो रखने का। ये गुलदस्ता का शेप जैसे 8 या 9 लाइन के बाद ही पत्ती बनेगा तो अच्छा लगेगा देखने में और काफ़ी अच्छा साइज भी होता है इसका। देख रहे हैं जहाँ से स्टार्टिंग किए थे टोटल चारों साइड से हम इसको घुमा के देख के लेंगे कि ये 9 लाइन पूरे हुए हैं कि नहीं। उसके बाद एक एक करके बनाएंगे और पत्ती यहीं से फर्स्ट पत्ती बनना स्टार्ट हो जाएंगे हमको। अब देखिए एक एक करके कैसे बनाने हैं, बस एक बार अभी जो डबल करके शुरू किए थे बस उसको एक एक करके अलग अलग करके बनाते हुए जाएंगे। बस एक लाइन ही हमको ये वाले बनाने हैं एक एक करके और उसके बाद पत्ती बनेंगे। आप ध्यान से देखिए कैसे एक एक करके बना रही हूँ मैं, बस इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, ज़रूर बनेंगे। और ये डिज़ाइन बनाने में तो बहुत ही आसान है और गुलदस्ते के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छे से ये पूरे सेट होके बन रहे हैं और बहुत ही नॉर्मलिटी से और बहुत परेशानी भी नहीं होती है इसमें बनाने में। देखिए एक एक करके इसी तरीके से पूरे एक राउंड तक हम बनाएंगे। अगर आपको ये नीचे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हम लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में भी। अब देखिए कि इसी तरीके से पूरे राउंड बना लेने बन गए हैं और यहाँ से पत्ती बनना स्टार्ट होंगे।
तो यहाँ से पहले काउंटिंग करके हमको बराबर बराबर कर लेने होते हैं। देखिए एक राउंड ये पूरे पहले डबल वाला हो गए हैं, तो उसके बाद हम यहाँ से पत्ती बनाएंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे 12-12 पाइप को हम अलग करेंगे, क्योंकि टोटल 36 वायर दिए थे तो 36 का मल्टीप्लाई करेंगे और 72 वायर टोटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको 12 वायर को अलग करके टोटल 6 पत्ती बनाने हैं। तो आप इसी तरीके से काउंटिंग करके और उसके बाद ही बनाइए, जिससे कि कोई भी गलती ना हो पत्ती बनाने में और पत्ती का साइज एक जैसा हो और काफ़ी खूबसूरत हो। तो इसके लिए आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले हमको टोटल काउंटिंग करके अलग अलग कर लेने होते हैं, उसके बाद ही पत्ती बनाएंगे। और पत्ती बनाना भी बेहद आसान है, आप देखिए यहाँ से जस्ट पत्ती बनेगा। देखिए कैसे करना है हमको, वो 12 में से एक वायर ले लेने हैं और उसी वायर से इस तरीके से फंदे डालते हुए हमको पत्ती बनाते हुए ऊपर की ओर जाना है। अभी हमको टोटल 12 वायर को ही पर एक वायर से हमको यहाँ पे फंदे डाल के बनाने हैं, और वो जो टोटल को अलग किए थे बस उसको कुछ भी नहीं करना है। और इसी तरीके से एक वायर ले लेके हमको उसी में बनाते हुए ऊपर की ओर जाना है और पत्ती बन जाएगी। उसको हम नीचे मिला के उसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। वो जो बंडल वाला वायर यहाँ पर है उसको अभी हमको कुछ नहीं करना है। फिर ऊपर की ओर नेक्स्ट पत्ती का जो रो चलेगा उसमें फिर एक लाइन हमको वो बंडल वाला वायर से बनाने होते हैं। अभी हमको फर्स्ट लाइन वाले पत्ती ही हम बना रहे हैं, तो उसको वहीं पर रखेंगे। वो बंडल वाला वायर को क्या करना है तो उसको मैं बाद में बताऊँगी क्या करना है। तब तक पत्ती पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। आप देखिए पत्ती बनाने में बेहद ही आसान है, जैसे हम स्टार्टिंग किए थे बस उसी तरीके से बनाते हैं। ऊपर की ओर जाना है और पत्ती बन जाएंगे। इसी तरीके से टोटल अलग अलग जो वायर किए हैं उसको टोटल 6 पत्ती बनाएंगे, क्योंकि 6 पत्ती में गुलदस्ता काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसमें 5 पत्ती भी बना सकते हैं, आप लोग का जो मन हो वो कीजिएगा, लेकिन 6 पत्ती में ही ज़्यादा से खूबसूरत लगता है।
आप देख रहे हैं कि एक एक वायर लेके उसी वायर से हमको बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हम, और पत्ती इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए ऊपर में आ गए हैं, बस थ्री वायर और बचे हुए हैं, उसको भी अब हम इसी तरीके से जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर आए हैं बस उसी तरीके से बना लेंगे। उसके बाद टोटल पत्ती को इसी तरीके से बना लेंगे और देखेंगे उसके बाद आगे क्या करना है। देखिए पूरे पत्ती बन के तैयार हो गए हैं, और कितना अच्छा से ये पूरा बन के तैयार हो गए हैं। और इसी तरीके से हम टोटल 6 पत्ती बनाएंगे। एक पत्ती बन गए हैं और ये देखिए टोटल 6 पत्ती हो गए हैं। और इसके बाद हमको ये जो नीचे वायर लटका हुआ है उसको ऊपर की ओर लाना है फिर सेकंड पत्ती के लिए। ये फर्स्ट रो वाला पत्ती बन के तैयार हुआ है, तो आप देखिए ध्यान से कैसे ऊपर की ओर लाने हैं। हमको ये नीचे वाला वायर से लेके ऊपर करना है, वो जो होल दिख रहे हैं वो दो दो करके हमको नीचे लेने हैं। देखिए कैसे ध्यान से ये पत्ती के जस्ट सामने नीचे वाला जो रो है उसी रो से हम ऊपर की ओर करेंगे होल से। दो दो वायर को एक होल से ऊपर करेंगे ताकि हमको नेक्स्ट पत्ती बनाने में आसानी हो। आप ध्यान से देखिए उसके बाद कीजिएगा, देख रहे हैं कि। और उसके बाद ऊपर का जो ये डिजाइन भी बन के तैयार हो जाएगा। हमको बस उसी तरीके से ऊपर लेके सारे पाइप को ऊपर की ओर लाने हैं। जस्ट पत्ती के नीचे वाला जो होल अभी हम जो डबल डबल किए थे वहाँ पे ये होल थोड़ा बड़ा वाला हो जाता है, बस उसी होल से ऊपर की ओर वायर को लाने हैं। बस डबल डबल एक होल से हमको डबल वायर लेने हैं। आप देखिए कितना अच्छा से ये नीचे वाला भी डिजाइन बनके तैयार हो रहा है ऊपर करते हुए, और काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये देखने में। ये देखिए दो दो करके ऊपर हो गए हैं, और उसके बाद इसी तरीके से हम टोटल 6 पत्ती का जो वायर नीचे है उस सबको ऊपर करेंगे बस इसी तरीके से। और उसके बाद ऊपर वाला जो रो बनेगा पत्ती का वो बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ऊपर का, बस जैसे नीचे किए हैं उसी तरीके से हमको ऊपर की ओर भी बनाने हैं। पहले हम ये सारे पत्ती को ऊपर की ओर कर लेते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट कैसे करना है। ये देखिए सारे ऊपर हो गए हैं, यहाँ पर कर लिए गए हैं ऊपर। और उसके बाद देखिए नीचे का भी डिजाइन अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब ऊपर क्या करना, वो जो नीचे बंडल वाला वायर एक छोड़े हुए थे पहले पहले पत्ती में, और जो दो दो करके अभी ऊपर किए हैं बस उसको फिर दो दो करके एक रो हमको इसी तरीके से बनाने हैं। यहाँ पे दो नहीं एक एक वायर से ही बनाएंगे, जैसे नीचे अलग अलग करके हम पत्ती बनाए हैं एक रो जैसे बनाए थे बस उसी तरीके से। यहाँ पे डबल ऊपर किए थे बस एक रो, फिर एक एक पाइप को हम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि पत्ती फिर उसी तरीके से हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे।
पहले हम टोटल एक रो बना लेंगे एक एक करके, और एक दो वायर जब अगर आपका नीचे हो जाएगा तो आप ऊपर की ओर खींच खींच के भी बना लीजिएगा, तो ये काफ़ी तैयार होगा अच्छा बन के। आप ध्यान से यहाँ पे देख के उसके बाद एक एक करके बनाइएगा। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप वहाँ पे हमको कमेंट में बोलिएगा, तो वहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊँगी। देख रहे हैं कि एक एक करके ही वायर यहाँ पे बना रही हूँ मैं, टोटल एक रो बस एक एक करके ही यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, पूरे करने होते हैं उसके बाद ही पत्ती बनेंगे। टोटल में अब पूरे एक रो बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। ये डिजाइन बनाने में बेहद ही आसान है और काफ़ी खूबसूरत बनके ये तैयार होता है। जितना ही आसानी से यहाँ पे बनता है उतना ही अच्छा लगता है देखने में। देखिए कैसे ये देखिए टोटल ये एक रो पूरे बना लिए हैं, और एक रो बनाने के बाद फिर सेकंड रो का जो पत्ती होगा वो बनाएंगे। वो जो बंडल वाला वायर है बस यहीं पे कट कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे जैसे नीचे अलग अलग किए थे वायर को काउंटिंग करके 12-12 वायर, उसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल 12-12 अलग करेंगे और उसके बाद पत्ती बनाएंगे। तो देखिए जैसे नीचे का पत्ती बना है बस उसी तरीके से थोड़ा अलग डिफरेंट होगा, बस उसी तरीके से बनाने हैं। तो आप देखिए इसी तरीके से आप लोग अलग अलग कीजिएगा, उसी के बाद पत्ती बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ये होता है काउंटिंग करने से थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है पत्ती बनाने में, और आसानी से ये बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए एक को खोल के उसके बाद हम यहाँ से पत्ती बनाएंगे। पहले ये टोटल देखिए कर लेते हैं, ये देखिए हो गया टोटल 6 पत्ती अलग अलग कर लिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे फिर पत्ती। जैसे अभी जो नीचे वाला पत्ती बनाए थे बस उसी तरीके से एक को खोल के और उसी तरीके से फिर बनाने, एक वायर लेने हैं वही पत्ती वाले जो अभी 12 वायर को इधर किए थे, और उसके बाद उसी वायर से पत्ती बनाएंगे। वायर को ऊपर टाइटली खींच के थोड़ा डिफरेंट पत्ती ये बन के तैयार होगा। देखिए कैसे ये डिफरेंट होता है, बस बनाते हुए ऊपर की ओर जाना है और थोड़ा डिफरेंट ये पत्ती, ये नीचे वाला नीचे है और ऊपर वाला ऊपर ही पत्ती बन के रहेगा। देखिए कैसे देखिए कि पत्ती कैसे बन के तैयार हो रहा है। उसी वायर से हम बनाते हुए लास्ट तक आएंगे और उसको वहाँ पे छोड़ देंगे, बस सेम जैसे नीचे किए थे बस उसी तरीके से हमको ये पत्ती भी बनाने हैं।
आप लोग को समझने के लिए फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरा राउंड भी बना के पत्ती जैसे अभी नीचे बनाए थे बस उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा अलग होगा, सेम बनेगा लेकिन थोड़ा अलग डिजाइन का ये होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे थोड़ा स्पीड से मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको ये नीचे बनाए थे, आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाली पत्ती में नहीं हुई होगी, बस इसी लिए आपको ये थोड़ा स्पीड से मैं बता रही हूँ। बस आपको क्या करना है उसी तरीके से बनाना है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे नहीं समझ पाऊँगी, तो आप नीचे जैसे बनाए हैं बस उसी तरीके से ऊपर भी बनाइएगा। देख रहे हैं कि मैं इसी तरीके से ऊपर भी बना रही हूँ। देखिए आधा पत्ती बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए पूरे एक पत्ती सेम नीचे जैसे बनाए थे बस उसी तरीके से बनाए हुए हैं। और इसके इसको क्या करना है, ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये नीचे और ये ऊपर दोनों। अब देखिए वो जो वायर बच गए हैं, अब उसको ऊपर कैसे करने हैं वो देखिए। सारे पत्ती बना के उसके बाद देखिए कैसे करने हैं, बस उसी तरीके से सारे बनाने होते हैं। देखिए ऊपर ये जो नीचे का जो होल है जहाँ से हम पत्ती का फर्स्ट लाइन बनाना स्टार्ट किए थे, वही होल से हम वायर को नीचे से ऊपर लाएंगे और फिर वहाँ पे प्लास्टिक का फूल लगाएंगे और पत्ती। तो ये गुलदस्ता बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मली तरीका है ये। आप लोग इस तरीके से बनाइएगा तो थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे नीचे से ऊपर ये वायर आ रहे हैं। अब देखिए अंतिम वाला वायर है उसको भी हम यहाँ पे अंदर कर दिए हैं। उसके बाद देखिए इसी तरीके से टोटल वायर को ऊपर लाएंगे और उसके बाद फूल लगाएंगे। देखिए ये टोटल वायर ऊपर आ गए हैं और देखिए यहाँ पे फूल कैसे लगाने हैं और फूल लगा के ये बुग्गी कैसे बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें पत्ती और फूल दोनों लगाने होते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगने लगता है देखने में। वो भी देखिए मैं लगाने के बाद भी बताऊंगी कैसा लगता है ये देखने में। स्टार्टिंग में मैं बताई हुई थी कैसे लग है, तो देखिए कि कैसे ये इसमें पत्ती लगाना है और फूल भी सेट करने होते हैं। तो देखिए फूल सेट करने के बाद ये और भी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके का न्यू डिज़ाइन लेके मैं आऊँगी अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देखिए काफ़ी खूबसूरत है। इसी तरीके से हम टोटल में लगा लेंगे। देखिए कि लगाने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगते हैं देखने में। तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी।